बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देखने में इतनी खुश रंग और खुशनुमा और खाने में नहायत ही लजीज, आज मेरी माँ के खानों में तैयार हुई है ये मज़ेदार पकोड़ा कड़ी। तो देखते हैं ये ज़बरदस्त सी गाढ़ी गाढ़ी सी मज़ेदार पकोड़ा कड़ी कैसे तैयार हुई है। व्यूअर्स देखें, आधा किलो मैंने दही लिया है, खट्टा दही है ये, दो से तीन दिन पहले मैंने लाकर डिफ्रीज़र में डाल दिया था। आपने भी जब कड़ी बनाना हो तो उस इरादा हो आपका बनाने का, तो दो से तीन दिन पहले दही ख़रीद कर आप डिफ्रीज़र में डाल दें तो उसमें अच्छी सी खटास आ जाती है। बट अगर आपको कहीं से खट्टा दही मिल जाता है तो वो वेल एंड गुड के आप उसको फ़ौरन बना सकते हैं। ये देखें, आधा किलो ये दही का पानी है, ये बासानी आपको दही की शॉप से मिल जाता है। दही काटते वक्त जो एक पानी रिलीज़ होता है, उसको जो निकलता है पानी, वो ये पानी है। और पहले से आप बोल दें कि हमें दही का पानी चाहिए तो वो सेव कर लेते हैं, तो इस तरह बासानी दही वाले की शॉप से ये पानी ले सकते हैं। ऑप्शनल है, बट अगर आपका दही खट्टा है तो इतनी ज़रूरत नहीं है। देखें, डेढ़ कप मैं इसमें चाय वाला जो रेगुलर कप होता है, मैं इसमें बेसन ले रही हूँ। और ये देखें, ख़ास एक पेस्ट तैयार होगी, अदरक 4 से 5 इंच का बड़ा सा टुकड़ा अदरक का, फुल बंच लहसुन, एक मीडियम साइज़ की प्याज और 12 से 15 हरी मिर्चें, 2 से 3 लड़ियां कड़ी पत्ते की जो लीव्स हैं, ये मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी इन सब की ग्लेंडर में और मैं फिर वो कड़ी में डालूँगी। देखें व्यूअर्स, अब मैं कड़ी चढ़ा रही हूँ, आधा किलो खट्टा दही। कड़ी के लिए शर्त है कि थोड़ी खटास उसमें अच्छी लगती है कड़ी में, और गाढ़ी भी रहती है वो। अगर आप उसको, ये देखें दही का पानी मैंने डाला है, बड़ी ज़बरदस्त ये कड़ी तैयार होती है व्यूअर्स। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें वो पेस्ट है, फुल बंच लहसुन का, तकरीबन 12 से 15 जवे लहसुन के मोटे वाले थे, और 4 से 5 इंच का अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और मीडियम साइज़ की एक प्याज मैंने ली थी। इसको मैंने पेस्ट बना लिया है, रेगुलर चाय वाला 1.5 कप बेसन मैं इसमें ले रही हूँ, आधा किलो दही में 1.5 कप बेसन इनफ रहता है। ये देखें 1.5 कप मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, आपने भी इसी तरह डालना है इंशाल्लाह ताला, आपसे भी बहुत ज़बरदस्त कड़ी तैयार होगी। देखें मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर, किसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, अच्छी क्वालिटी के प्लीज़ मसाले आपने यूज़ करने हैं। और ये आधा किलो दही और 1.5 कप बेसन में, ये जो खट्टा दही है हमारा उसमें ये 2 टेबल स्पून इनफ रहती हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये सही रहती हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी ये गाढ़ी होगी कड़ी और ये पकेंगी तो बैलेंस रहता है मसालों को। देखें ये 2 टेबल स्पून भर के लेवल करके मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, बड़ा खुशनुमा सा रंग तो आता ही है हमारी कड़ी में, बट एक अच्छा सा जायका भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है हमारी कड़ी का। ये आपने 2 टेबल स्पून लेवल करके कड़ी वो हल्दी आपने डालनी है। तमाम अज्जा को हम विस्क से फेंटेंगे अच्छे से, तमाम लम्स वगैरह को रिमूव कर लेंगे हम पहले, ताकि हमारे जो बेसन और जो मसाले वगैरह हैं इसमें लम्स ना हों, तमाम अच्छे से इसको रिमूव कर लेंगे। ये देखें अच्छे से मैंने तमाम अज्जा को इसके लम्स वगैरह रिमूव कर दिए हैं। अब 2 से 2.5 जग में तकरीबन इसमें 2 लीटर पानी में इसमें डाल रही हूँ, आप अपने अंदाज़े के हिसाब से डाल सकते हैं। आपको बस इतना इसको 2.5 से 3 घंटा पकाना है, प्लीज़ खुदारा ज़्यादा देर तक 6-6, 8-8 घंटे प्लीज़ इसको नहीं पकाना। आप देखें ना, 1.5 कप बेसन और आधा किलो दही को आप इतना क्यों पकाएँगे? तो मेरे हिसाब से जो मैं पकाती हूँ 2.5 घंटा, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी। और अब देखें मैं इसमें एक स्पेशल जो चीज़ डालने वाली हूँ, ये देखें व्यूअर्स, 1 बंच कड़ी पत्ते के लीव्स हैं। तकरीबन मेरा पूरी रेसिपी में जो पकोड़ों में मैं कड़ी पत्ता डाला है, मैंने जो पेस्ट के अंदर कड़ी पत्ते के लीव्स डाले हैं, और ये जो ग्रेवी में रेडी करूँगी इसमें मैंने जो लीव्स डाले, तकरीबन बड़ा सा बंच मेरा यूज़ हुआ है कड़ी पत्ते का। देखें व्यूवर्स, उसको मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पर, 2 घंटे से 3 घंटा पकाऊँगी। यहाँ पर मैं बेसन रेडी कर रही हूँ पकौड़ों के लिए। 1 पाव मैंने बेसन लिया है, और अब मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ, इसके लम्स वगैरह रिमूव कर रही हूँ। कड़ी को मैंने चढ़ा दिया है
दो से ढाई घंटा पहले उसको रिड्यूस करूँगी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाऊँगी उसके क्या हालात होंगे। जब तक ये देखें पकोड़े के लिए जो मैंने बेसन फेंटा था, अब मैं इसमें ये सब्ज़ियाँ कुछ डालूँगी मज़ेदार सी। ये देखें 12 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी छोटी वाली, आपने भी ऐसे ही करनी है। ये देखें 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। हाफ़ बंच करी पत्ते के ये लीव्स हैं, देखें इस तरह मैंने इसको मोटा मोटा कट कर लिया है, पकौड़ों में बड़ा ज़बरदस्त ये जायका देंगे। हाफ़ बंच मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है थोड़ा। ये देखें 2 टेबल स्पून अदरक मैंने लिए है, इसको चॉप कर लिया है। अदरक, कड़ी पत्ता, पुदीना ये हमारे पकौड़ों में जान डाल देगा। ये जब हम इसको कड़ी में डालेंगे, कोई कलर वगैरह हल्दी वगैरह मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने अच्छी खासी हल्दी अपनी कड़ी में डाली है, तो ये ख़ुद ब खुद हमारे पकौड़े ज़बरदस्त से रेडी होंगे। देखें तमाम जो अज्जा मैंने आपको दिखाए थे ये मैंने डाल दिए हैं। आधा टेबल स्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, और आधा टेबल स्पून ही मैं इसमें नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं नमक। ये देखें 2 से 3 चुटकी मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। अजवाइन खाने हमारे पकौड़ों को जायका तो देगी ही, बट हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, और आधा घंटा मैं इसको रेस्ट के लिए दूँगी पकौड़ों के बैटर को। और फ्राई करने से पहले मैं इसमें डालूँगी सोडा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर आपने कर देना है, और मेरे चैनल को आपने ही आगे लेके जाना है। देखिए व्यूअर्स, मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। अब हम अपने कड़ी के हालात देख लेते हैं। तकरीबन 2 घंटे से ये पक रही है, आप इसके बुलबुलों से अंदाज़ा लगा लें जो इसमें आ रहे हैं कि मैंने इसकी आँच कितनी रखी है। जब तक हमारी कड़ी रेडी हो रही है 2 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा मैं उसको और पकाऊँगी, तब तक हम अपने पकौड़े रेडी कर लेते हैं। उसके लिए देखिए फ्राई करने से पहले मैं 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सोडा डाला है, और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कड़ी को मैं अभी 1 घंटा और पकाऊंगी। देखिए पकोड़े तैयार कर रही हूँ मैं व्यूअर्स, लो टू मीडियम फ्लेम पर। जो पकोड़ों का तरीका है मैंने अपनी फ्राइंग टिप्स में आपको हमेशा बताती हूँ कि तेज़ आँच बिल्कुल नहीं करनी है, शुरू में लो टू मीडियम रखनी है ताकि अंदर से सिक जाए हमारे पकौड़े। और देखें अच्छे से गोल्डन कलर आएगा तो मैं इसको निकालूँगी। जो मेरी बहनें हैं वो अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि बेरंग सी कड़ी है, पतली हुई हुई है, तो कड़ी के लिए आपने याद रखना है खट्टा दही यूज़ करना है, हल्दी आपने अगर कुछ अच्छा खुश रंग आपको चाहिए, जायकेदार चाहिए, तो आपने हल्दी मेरे रेशो से डालनी है। और प्लीज़ खुदारा कड़ी को 6-6, 8-8 घंटा सारा सारा दिन के लिए ना पकाएं, कि उसका सारा फ्लेवर ही ख़त्म हो जाए। देखिए 1.5 कप बेसन, 1/2 किलो दही को कितना पकाया जाएगा। तो प्लीज़ वो जो मेरी बहनें घंटों घंटों कड़ी को सुबह से चढ़ा देती हैं और रात तक पकती रहती है, उसका सारा फ्लेवर ख़त्म, तबाह हो, बर्बाद हो जाता है, और उसमें कुछ भी नहीं रहता सिवाय एक बेरंग सी शक्ल के और बेजायका कड़ी होती है। तो प्लीज़ इतना पकाएं, क्योंकि सब कुछ पेस्ट हमने इसमें डाला है, बेसन है, पिसा हुआ बेसन है, तो उसको हम इतना क्यों पकाएं। तो ये है कि प्लीज़ खुदारा इतना ज़्यादा कड़ी को ना पकाएं कि वो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद, बेजायका और बेरंग रहे, तो ज़्यादा पकाने से भी फ्लेवर ख़त्म हो जाते हैं चीज़ों के। तो ये देखें मेरे रेशो से आप बनाएँगे, मेरे तरीके से, तो आप इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है पकौड़ों पर। अब मैं इसको निकालूंगी, इस तरह मैं सारे 1 पाव जो बेसन है इसके पकोड़े रेडी कर लूंगी। आपने भी सारे पकोड़े तैयार कर लेने हैं। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 2.5 घंटा हो गया है, और 1/2 घंटा मैंने इसकी अब आँच तेज़ करके मैं इसको गाढ़ा करूंगी। नमक मैंने अब डाल दिया है अंदाज़े के हिसाब से, तकरीबन 1/4 चम्मच एक टेबल स्पून तक मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दिएगा। अब मैं इसमें पकोड़े जो मैंने रेडी किए हैं अब वो मैं इसमें डालूंगी। देखें जो कड़ी, जो हल्दी मैंने डाली थी पक पक कर, देखें इतना प्यारा सा इसका कलर निकल कर आया है, जो बेरंग बिल्कुल भी नहीं है, कितना इसका अच्छा सा कलर आया है, आप ये देखें। और जायका भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आता है, हल्दी आप सही डालें। ये देखें पकौड़े जो मैंने रेडी किए थे वो मैंने डाल दिए हैं, और अब मैं तेज़ आँच पर इसको पका रही हूँ ताकि अच्छे से पकौड़े हमारे फूल जाएँ। और अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी कड़ी को, फिर मैं इसका भगा रेडी करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैं कड़ी को ठंडा कर लूँगी, पंखे के सामने मैं इसको रख कर ठंडा कर लूँगी। गरम कड़ी में कभी भी आपने भगाड़ नहीं डालना है,
देखिए व्यूवर्स, अब मैं एक स्पेशल इसका भगार कढ़ी का रेडी होता है वो मैं तैयार कर रही हूँ। कढ़ी को मैंने ठंडा कर लिया है, 1.5 घंटा पंखे के आगे रखा है, उसमें कोई गरमाई वगैरह नहीं है। अब मैं ये भगार रेडी कर रही हूँ। साबुत लाल मिर्चें मैंने डाली हैं 10 से 15, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने घी 200 ग्राम तकरीबन, एक पाव मैंने तकरीबन गरम किया है। आपने भी ज़्यादा भगार लगाना है, बड़ा मज़ेदार इसका रेडी होता है ये। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, इसको अच्छे से कड़कड़ाएंगे। ये देखें, हाफ बंच मैंने फिर दोबारा से कड़ी पत्ते के इसमें वो डाले हैं लीव्स। तो आप ये देखें कि कितना सारा कड़ी पत्ता हमारे पकौड़ों में भी गया है, हमारे ग्रेवी में भी गया है, और भगार में तो ज़रूर जाना ही है कड़ी पत्ता। इसका बड़ा ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर निकल के लास्ट में ऊपर हमारी ठंडी ठंडी जो कड़ी है उस पर जाएगा, तो ये बड़ा मज़ेदार सा होगा। अपने कड़ी को ठंडा कर लेना है, ये इसकी ख़ास टिप है। ये देखें, ये हमारी इसमें कोई गरमाई वगैरह नहीं है। अब मैं इस पर भगार डालूंगी, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर फंके के आगे ठंडा कर लिया है। सारी इसकी जो गरमाई वगैरह, जो हीट वगैरह सब मैंने निकाल दी थी, और अब ये भगार मैंने अपनी कढ़ी पर डिश आउट करते वक्त डाल रही हूँ। आपने भी डिश आउट करते वक्त डालना है अपनी जो भी पतीली वगैरह, जो भी डिश वगैरह है आपने उस पर। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर, गाढ़ी गाढ़ी, और एक अच्छे से खटास का लेवल भी बिल्कुल इसमें बैलेंस है, कोई बहुत ज़्यादा खटास भी नहीं है बिल्कुल। और मैंने ये इसको टेस्ट किया है, ये बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। व्यूवर्स, आपने मेरे रेशो से बनानी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। देखें आप, इसका कलर भगार भी अच्छा सा आपने लगाना है, क्योंकि ये कढ़ी है। वो प्लीज़ खुदारा कढ़ी को दोबारा से गर्म बिल्कुल नहीं किएगा, इस तरह वो पतली हो जाती है, पानी छोड़ देती है, फिर वो गाढ़ी दोबारा नहीं हो सकती। एक दफ़ा आपने इसको ठंडा करके गाढ़ा कर लिया तो प्लीज़ उसको दोबारा से गर्म नहीं कीजिएगा। आप फ्रिज में रख दें, भले से दूसरे दिन आप उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें, बट चूल्हे पर डायरेक्ट आप इसको नहीं चढ़ाइएगा। देखें ये इसी तरह गाढ़ी गाढ़ी सी, अच्छे सा खटास का लेवल इसमें बैलेंस है बिल्कुल। और आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला फिर इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को आपने ही बढ़ाना है, मुझे मेरी हौसला अफज़ाई करनी है, और अब मुझे आपने ही मेरी माँ के खानों को प्रमोट करना है। आप देखें कलर इसका, देखें और इसका जो टेक्सचर आया है, आप इसे देखें। चावल के साथ आप इसको लें, ये मैंने ज़ीरा राइस बॉईल कर लिए हैं, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है चावलों के साथ। तो कॉम्बिनेशन ही हमारी रिवायत चली आ रही है कि कढ़ी चावल एक ख़ास जायका होते खाए जाते हैं। और देखें तंदूरी नान मैंने मंगा लिए हैं, हमारे घर में ये बच्चे जो हैं हमारे नान से इसको पसंद करते हैं। तो आपने भी जो भी आपको पसंद है, आपने चावल बना लें, नान मंगा लें, अचार रख लें साथ में, तो बस आपने मेरी रेसिपीज को फॉलो करना है, बनानी है, मुझे लाइक शेयर करना है, या मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। चलें अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।